स्लोगन बोलना चाहता हूं, हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, अगर हम दोनों मिलकर रहे तो मजबूत हमारा हिंदुस्तान होगा। मैं मुस्लिम हूं, तू हिंदू है, ला मैं तेरी गीता पढ़ लूं, तू पढ़ ले कुरान। मेरे तो दोस्त दिल में है बस केवल एक ही अरमान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान, एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन हमारा देश एक गौरवशाली गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ तथा हमने अपने देश के संविधान को अपनाया। इसी संविधान के माध्यम से संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की नींव रखी गई। यह संविधान हमारा मार्गदर्शक है जिसके सहारे देश के सर्वांगीण विकास की परिकल्पनाएं पूरी हो रही है। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान देशभक्तों को नमन करता हूँ। देश के उन तमाम विभूतियों की भी नमन करता हूं
जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दी, वह अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथ ही झारखंड के वीर सपूत धरती आबा बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, वीर सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, वीर बंधु भगत, जतरा ताना भगत, नीलांबर पीताम्बर, शेख भिखारी, टिकेत उमराव सिंह, पांडे गोपाल राय, गणपत राय, शहीद विश्वनाथ सहदेव जैसे वीरों को भी नमन करते हुए समस्त झारखंड वासियों की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। राज्यपाल महोदय के कार्यक्रमों द्वारा इन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। तालियां हम सबकी तरफ से होती रहे। इस वक्त मंच पर सेकंड इन कमांड डीएसपी अंकिता राय, माननीय मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है आज के इस पावन मौके पर। शर्मा सेकंड इन कमांड पुलिस उपाधीक्षक अंकिता राय, मंच के ठीक सामने से अभिवादन करते हुए सलामी देते हुए ये आर्मी की टुकड़ी प्लाटून कमांडर है नायक सुबेदार जावेद अहमद। मंच के ठीक सामने से अभिवादन करते हुए आर्मी की टुकड़ी गुजर रही है। इसके ठीक पीछे सीआरपीएफ इस वक्त मंच के ठीक सामने से अभिवादन करते हुए प्लाटून कमांडर है अवर निरीक्षक श्री सन्नी चौधरी। मंच के ठीक सामने से इनके पीछे आईटीबीपी प्लाटून कमांडर निरीक्षक विजय शंकर सिंह। आईटीबीपी के बाद एसएसपी टीम प्लाटून कमांडर अवर निरीक्षक श्री सुनील कुमार मंच के ठीक सामने से अभिवादन करते हुए सलामी दी। सीआईएस प्लाटून कमांडर सहायक अवर निरीक्षक भूपेंद्रजीत सिंह मंच के सामने से अभिवादन करते हुए सलामी देते हैं। और इसके पीछे मेहमान हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस की प्लाटून कमांडर है पुलिस अवर निरीक्षक वीरेंद्र यदु। और इसके ठीक झारखंड जगुआ जिसके प्लाटून कमांडर पुलिस अवर निरीक्षक अरुण कुमार मुंडली मंच के ठीक सामने से अभिवादन देते हुए सलामी देते हुए सभी प्लाटून गुजर रहे हैं। जैकॉल इसके प्लाटून कमांडर अवर निरीक्षक सशस्त्र फिल बहादुर कालू मंच के ठीक सामने से सलामी देते हैं। इसके पीछे जैक टू प्लाटून कमांडर के अवर निरीक्षक सशस्त्र तेजनाथ मुंडा मंच के सामने से अभिवादन करते हुए जैक टेन की टुकड़ी प्लाटून कमांडर अवर निरीक्षक सशस्त्र विश्वंभर चंद्र किशोर। और इसके पीछे रांची जिला पुलिस पुरुष बल इसके प्लाटून कमांडर सार्जेंट संतोष कुमार। और इसके बाद रांची जिला पुलिस महिला की टीम प्लाटून कमांडर महिला पुलिस अवर निरीक्षक सुश्री रूही नागरी। और इसके पीछे झारखंड गृह रक्षा वाहिनी की टीम अपने कमांडर बैचलर पदक इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके बाद एनसीसी बॉयज की टीम प्लाटून कमांडर है अभिषेक कुमार यादव। और इसके ठीक पीछे में मंच के ठीक सामने से सलामी देते हुए अभिवादन करते हुए एनसीसी गर्ल्स की टीम इसके प्लाटून कमांडर है कृति कुमार। ये सभी प्लाटून मंच के ठीक सामने से हमारे और ये मैदानों के बीचों बीच दो फरस्तूप आप देख रहे हैं युद्ध में कितना कारगर कि हम सभी जानते हैं। धूप छाओ सब सह जाती। नदी के तट पर अवस्थित इन स्मृतियों को समेटे बदहाल अवस्था में यहीं से संचालित किया जाता था। सन 1771 में पलामू किला पर अंग्रेजों के आक्रमण और नियंत्रणाधीन होने के बाद शाहपुर किला ही राजा का निवास स्थान बना। कहा जाता है कि इस किले से सुरंग के रूप में एक गुप्त मार्ग पलामू किला तक जाता था। इस किले में चेरो वंश के अंतिम राजा चूड़ामन राय है। और आपको बता दें
यह हार्दिक खुशी की बात कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में राजपथ दिल्ली में झारखंड की झांकी प्रदर्शित की जा रही है। राजपथ पर देवघर बाबा धाम का प्रारूप प्रदर्शित किया जा रहा है और इसके ठीक पीछे मिलेगी भारत जैसे विकासशील देशों में इको टूरिज्म को गरीबी और बेरोजगारी के उन्मूलन के माध्यम से सतत विकास प्राप्त करने की कुंजी के रूप में देखा जाता है। इको टूरिज्म आर्थिक और सामाजिक विकास में परिवर्तन कर सकता है। 17 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म को देख रहे हैं, ये हमें अचंभित करता है। सन इत्यादि के कारणवश अधिक स्थानीय रोजगार के अवसर भी प्रदान कर रहे हैं। देवघर एवं दुमका में स्थित प्रशिक्षण एवं उत्पाद केंद्रों में सूती वस्त्रों का जो उत्पादन हो रहा है उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादन केंद्रों में कठिनों एवं बुनकरों के द्वारा उत्पादन के अलग अलग चरणों को दिखाया गया है। उदाहरण स्वरूप कपास की खेती से लेकर कपास की छटाई, उसके बाद रीलिंग से लेकर सशक्तिकरण पर बल देते हुए ये झांकी इको फ्रेंडली है। प्लास्टिक या थर्मोकोल का उपयोग नहीं किया गया है। भाग ले रही महिलाएं झारखंड बोर्ड के द्वारा तैयार राष्ट्रीय ध्वज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। आपके समक्ष प्रस्तुत ये झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की झांकी में कपास से परिधान तक के सफर को दर्शाया जा रहा है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बीच में आयुष औषधि के निर्माण की झांकी है। वाहन के आगे 50 आयुष चिकित्सक उजले एप्रन एवं शुभ्र वस्त्र में आयुष से संदर्भित विभिन्न तथ्यों की स्वास्थ्य विभाग की झांकी आयुष निदेशालय की ओर से। मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स और श्रब्स जिनकी महत्ता हम सभी जानते हैं। इस वाहन के ट्रेलर पर झांकी के बाद कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की झांकी आपके समक्ष। यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा वित्तीय वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, जिसके आलोक में भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा प्रत्येक राज्य में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को मनाने का निर्णय किया गया है, जिसके तर्ज पर विभाग के द्वारा झारखंड राज्य में भी अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष को राज्य एवं जिला स्तर पर मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम एवं गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि किसानों के बीच ज्यादा से ज्यादा जागरूकता लाते हुए पैदावार में वृद्धि की जा सके। ये कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की झांकी मंच के ठीक सामने। झांकी में मुख्य रूप से झारखंड में उत्पादन किए जाने वाले मोटे अनाज महुआ, कोदो, सावा, ज्वार, बाजरा के साथ साथ कंगनी, कुटकी, चेना आदि के पारंपरिक महत्व के साथ साथ इनके पोषक और आर्थिक महत्व को प्रदर्शित करने का एक प्रयास किया जा रहा है। झांकी में मिलेट्स को स्थायी एवं वातावरण के अनुकूल न्यूनतम जल की आवश्यकता, स्वदेशी स्थायी अनाज एवं ग्लूटेन मुक्त आहार, सुनिश्चित खाद्य एवं पोषण सुरक्षा और वैध विविधता का संरक्षण जैसे पेयजल एवं स्वच्छता विभाग। पानी को व्यर्थ नहीं गंवाना है, पानी बचाकर जीवन बचाना है। हर घर नल से जल, स्वच्छ भारत स्वच्छ झारखंड, इसी उद्देश्य के साथ प्रस्तुत झांकी के अग्रभाग में वृहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना में बनने वाले पानी है जीवन की आस, पानी बचाने का करो प्रयास, यही उद्देश्य पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की झांकी का। ये उद्देश्य स्वच्छता ही स्वास्थ्य है, जल ही जीवन है। बढ़ेगा झारखंड, बढ़ेगा झारखंड मंच के ठीक सामने से स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
झारखंड सरकार की झांकी, कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों के पठन पाठन के लिए बेहतर उपाय किए जा रहे हैं। इसके अध्ययन चलाए जा रहे हैं। बच्चों में समझ विकसित करने के लिए गणित विज्ञान किट मध्य विद्यालयों में गणित एवं विज्ञान प्रयोगशाला और स्मार्ट क्लास स्थापित किए जा रहे हैं। सभी उच्च एवं फुल ऑफ एक्सेलेंस और आदर्श विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। झांकी में एक उत्कृष्ट आदर्श विद्यालय का प्रारूप आप देख रहे हैं। विद्यालय भवन FLN और इसके ठीक पीछे पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की ये झांकी राज्य के पारंपरिक चित्रकला आर्ट राज्य की पारंपरिक चित्रकला के प्रदर्शन पर आधारित ये झांकी पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की ये झांकी। झारखंड अपने समृद्ध पारंपरिक लोक संस्कृति के लिए जाना जाता है जिसमें पारंपरिक चित्रकारी अहम स्थान रखता है। सोहराई जादू पटिया पैटके पारंपरिक चित्रकला के साथ साथ टेरा कोटा म्यूरल आर्ट का प्रदर्शन करते हुए दसों झांकी राज्य के पारंपरिक लोक चित्रकला के प्रदर्शन के उद्देश्य पर आधारित है। और झांकी के आगे आगे ये हमारे लोक कलाकार हमारे पाइका नृत्य के साथ हमारे झारखंड का ये विश्व प्रसिद्ध नृत्य हमारे लोक कलाकार हवा में तिरंगा लहराते हुए इन्होंने प्रारंभ हुआ था जिसका प्रमाण इस क्षेत्र के इसको पहाड़ियों की गुफाओं में आज भी देखने को मिलता है। याद याद ये वीरतापूर्ण वीर रस से खड़ा हुआ ये नृत्य पाइका नृत्य के लोक कलाकारों की टोली के ठीक पीछे ग्रामीण विकास विभाग की ये झांकी इसका थीम ग्रामीण झारखंड की बदलती तस्वीर। इस थीम पर आधारित ये ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत JSLPS की ये झांकी आप देख रहे हैं मंच के ठीक सामने से झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन योजना की झलक। विधवा एकल और परित्यक्त महिला तथा SC/ST में छूटे हुए आवास विहीन अथवा कच्चे मकान में रहने वाले परिवारों को ग्राम सभा के अनुमोदन के पश्चात आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। झांकी के इस मॉडल में कार्डबोर्ड के जरिए लाभुकों को भी दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ रानी मिस्त्री के द्वारा लाइव आवास निर्माण का कार्य भी दिखाया जा रहा है। ये तीन योजनाओं का प्रदर्शन इस ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत JSPL अल्बर्ट एक्का चौक पर जैसा कि आप सभी को पता है राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा हमेशा एक कुछ नया करने की देश हित में देशभक्ति के यदि हम बात करें तो इनके द्वारा एक कोशिश की जाती है। आइए इस वक्त रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष उत्तम यादव हमारे साथ हैं। हम इनसे भी दो शब्द जानते हैं। जी गणतंत्र दिवस को राष्ट्रीय युवा शक्ति धूमधाम से जिस तरह हम अपने फेस्टिवल को मनाते हैं बिल्कुल उसी तरह एकदम धूमधाम से हम लोग 74वें गणतंत्र दिवस को हम लोग यहाँ मना रहे हैं। आप देख रहे होंगे शहीद चौक से लेकर रांची का हार्ट रांची का हृदय स्तर पर हम भी अल्बर्ट एक्का चौक होते हुए सरंजना चौक तक हम लोग दुल्हन से की तरह सजाए हैं। पूरे चौक को सही अमर जवान के कटआउट से और शहीद के जो परमवीर अल्बर्ट एक्का का प्रतिमा को आप देख रहे हैं पूरा चारों तरफ भव्य रूप से हम लोग सजाने का काम किया है। अमर शहीद अभिषेक कुमार साहू जी की माता जी बस कुछ ही मिनट में पहुंचने वाली है। 15 नवंबर 2016 को शहीद हुए जयप्रकाश उरांव की पत्नी और उनकी बच्ची भी पहुंचने वाले हैं। अभी उनके हाथों से यहां पर झंडोत्तोलन होगा और इस स्थान में कभी झंडोत्तोलन नहीं होता था तो राष्ट्रीय युवा शक्ति ने एक नई परंपरा की शुरुआत की। पिछले 3 वर्षों से अमर शहीद की पत्नी अमर शहीद की माता जी के हाथों से हम लोग यहाँ पर झंडोत्तोलन करते हैं और शाम में एक दीप उन अमर शहीदों के नाम हम लोग यहाँ पर जलाएंगे और सभी लोग मिलकर भव्य रूप में मनाएंगे क्योंकि हमारा एक ही मकसद है यूथ जिस तेजी से भटकाव की ओर है उस यूथ को बचाना है उस यूथ के दिल दिमाग में देशभक्ति की भावना को जागृत कराना है। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर में तमाम लोगों का हार्दिक शुभकामना और अभिनंदन करती हूँ। आज रांची ही नहीं पूरा राज्य और पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और भारत इस समय वैश्विक परिदृश्य में बहुत प्रथम स्थान में है और आज G20 जैसे सम्मेलन सम्मान का G20 को नेतृत्व कर रही है भारत और मैं कहूं कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है जिस तरह हम कहते हैं 21वीं सदी का भारत आज विश्व के मानस पटल पर खड़ा है। ऐसे नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री का मैं आभार व्यक्त करती हूं और 26 जनवरी को आज जिस तरह से जिस उल्लास के साथ युवा हो बुजुर्ग हो महिलाएं हो
यानी समाज का अलग अलग लोगों ने बड़ा धूमधाम से मना रहे हैं। आप देख लीजिए रांची का मोराबादी मैदान, चाहे देश का एक जो शांति पथ था उसको बदल करके कर्तव्य पथ हो गया, और उस कर्तव्य पथ में एक आदिवासी बेटी राष्ट्रपति आज झंडोत्तोलन कर रही हैं एक मान सम्मान के साथ। तो यह झारखंड ही नहीं पूरा देश के लिए गौरव की बात है, महिला नेतृत्व की बात है। मैं सभी लोगों का पुनः एक बार हार्दिक शुभकामना और बधाई करती हूँ। गणतंत्र दिवस सबके लिए शुभ हो, साथ ही सरस्वती पूजा भी है आज, आज शिव जी का तिलक उत्सव भी है। मैं सभी का बहुत बहुत शुभकामना और बधाई करती हूँ। तो आज की खबर में बस इतना ही, बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।